हाँ बच्चों आवाज आ रही है? हाँ सर जी सर यस सर यस सर यस सर। और भी कोई क्लास है क्या मीटिंग में? हाँ मतलब मैंने ना आज कंबाइन किया है क्योंकि कुछ बैच आप थोड़ा सा अगर कंबाइन कर लेंगे ना तो हल्का सा फास्ट हो जाएगा, जिससे अपने को एमटी के लास्ट वीक में ना प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो पता लगा लास्ट वीक में भी हम पढ़ ही जा रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा आप लोगों के, एडजस्ट कर लेना, चलेगा ना? आप लोगों के बैच का तो मैक्स टू मैक्स एक ही और होगा, दूसरे बैचेस के एक दो ज्यादा रखूंगा, आप लोगों का तो काफी आगे चल रहा है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो बच्चों पैराबोला में हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली थी, आज एक थोड़ी सी जोरदार चीज पढ़नी है, जिस जोरदार चीज का नाम है देखो रोम्बस। पढ़ाया था क्या रोम्बस के बारे में कुछ भी? नहीं सर। जरा ये थोड़ी सी तगड़ी चीज है, मतलब है आसान मजेदार है, इसका थोड़ा रस लेना पड़ेगा। तो बच्चों ये पैराबोला है अपना, मस्त चल रही है लाइफ, ये है एक पॉइंट पी जो पैराबोला पे है, उस पॉइंट पी पे आया टेंजेंट, बना लो आराम से डायग्राम बना लो, नीट सा डायग्राम बनाना क्योंकि इस डायग्राम में काफी कुछ होने वाला है अभी। ये पॉइंट पी पे बच्चों हमने बनाया टेंजेंट, ये है बच्चों फोकस, साथ में ये आई क्या डायरेक्ट्रिक्स। सब लोग क्लियर है यहां तक क्या चल रहा है? ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने पैराबोला लिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये फोकस है भाइयों ए कॉमा जीरो, लेबलिंग कर लो अच्छे से, देयर इज अ रीजन मैं इसको बड़ा नीट सा डायग्राम बना रहा हूँ, क्या रीजन अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। अच्छा अब देखना जरा बच्चों कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, एफ पी का लेंथ हमें याद है क्या होता है? Yes, sir. A plus AT square. लाइफ एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x plus a equal to zero, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब खुश है। अच्छा कितने लोगों को ये दिख रहा है कि पीएम का आंसर भी a plus AT square ही आता है? कोई बच्चा कृपया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए तो मजा आ जाए, इस पॉइंट को मैं कैपिटल टी बोल रहा हूँ, एक मिनट AT1 T2 AT1 T2 भाई साहब जहाँ दो टेंजेंट मीट करते हैं वो कैसे निकालेंगे हम टेंजेंट की इक्वेशन को, टेंजेंट की इक्वेशन को x एक्सिस से सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो ना? जीरो डाल दें। यस सर माइनस -80 एवरीबॉडी हैप्पी Yes, sir. जरा ध्यान से देखो, अगर ये -80 square comma 0 है तो कृपया ये लेंथ बताएं बच्चों कितनी आ रही है? देखो ये लेंथ तो a है और ये 80 स्क्वायर होगी तो ऐड होगी आ गया। यस सर। कोई बच्चा मुझे ये भी बताए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? M के से M बोलते हैं ना हम लोग। जल्दी बताओ x कोऑर्डिनेट बताओ। -a, -2 शाबाश -a, -2 जरा कोई बच्चा मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये लेंथ निकाल के दे सकता है क्या? a+at² क्योंकि रोम्बस लिख दिया सर ने इसलिए। हां निकालो जरा डिस्टेंस फॉर्मूला से a+at² आता है क्या? आ रहा है। एक और तरीका भी है पता है इसको a plus 80 square प्रूव करने का, बताऊं कैसे? देखो जरा
बच्चों ये और ये पैरेलल है आपस में, ये और ये पैरेलल है, पैरेलल लाइंस, करेक्ट, दोनों की लेंथ इक्वल। तो अगर आप कभी भी पैरेलल लाइंस बनाते हैं ना जिनकी लेंथ इक्वल होती है, तो उनको ज्वाइन करोगे ना, आपको हमेशा एक पैरेललोग्राम मिलेगा ही मिलेगा। यस सर। तो अब ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी ये दो साइड इक्वल है एडजेसेंट, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी, फिर होंगे कि नहीं? उतना कोई खास वैसे सोचने की जरूरत है नहीं, जो बच्चा ये बोलेगा ऐसी की तैसी, मैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, एमटी का आंसर क्या आ जाएगा, वो सीधा ही आंसर बोल देगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। देखा मेरा, आ जाएगा, देखो आ गया। यस सर। यस सर। तो हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फंडा पता लगा जो हमें नोट करना है और याद रखना है, लिख लीजिए, कौन सा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस आ रहा है, पी एम टी एफ जो है क्वाड्रिलेटरल इज अ क्या, रोम्बस। ये भाई साहब रोम्बस है, नोट कर लो पहले इसको। और एडजेसेंट इक्वल है तो मतलब फिर तो इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये है, तो फिर तो चारों इक्वल हो गए। समझ रहे हो दोस्त? यस। हाँ सर, तीन तो हो गई तो चौथे को होना ही पड़ेगा। तो भाइयों मुबारक हो, रोम्बस तो आ गया। कोई भी प्राणी दुखी यहाँ तक, किसी की भी दिल में डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा साथ में, अब अगर ये रोम्बस आया है दोस्तों, तो कृपया जरा इसकी तरफ भी जरा ध्यान दें। ये टेंजेंट था, ये लाइन देखिए बच्चों, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, यस नॉर्मल, यस सर, नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल लाइन। इस वाले पॉइंट को ढूंढ सकते हो बच्चों? इसको जरा ढूंढ लो, क्या आता है ये? 2a2a भाई, 2a,0। नॉर्मल तो हां सही बोला, सही बोला। ये कौन बच्चा बोला, सही बोल रहा था, निकालो जरा इसका आंसर। इसे मैं n बोल देता हूँ इस पॉइंट को, हाँ n पॉइंट क्या आ रहा है, a t square plus 2a plus 2a comma 0 हाँ सर, comma 0। तो समझ में आ रहा है ये कैसे निकाला सर ने? कोई बच्चा परेशान है, एन कैसे निकाला सर ने? ठीक है। अच्छा अगर एन निकाल लिया तो जरा एक बार जरा ध्यान से देखना, एक और मजेदार बात हुई है यहाँ पे, मजेदार बात ये हुई है, जरा ये लेंथ बताओ कितनी आई, ए प्लस ए प्लस ए, तो बीच का बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, a plus 80 square। तो मजे की बात है, अब अगला पॉइंट है ना, ये बताएगा कि रोम्बस चारों लेंथ इक्वल थी, चार नहीं बल्कि एक्चुअली कितनी लेंथ इस फिगर में a plus 80 square है? 5। 5। f equal to pm is equal to mt is equal to tf is equal to fn is equal to pl plus 80 square। सबको ये पांचों पांडव समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस सर। नोट कर लो, क्रूशियल है ये चीज, ये सारी के सारे a plus 80 square होते हैं, a plus 80 square छाया हुआ है सब जगह। सेकंड वाला वापस समझा दो ना, वो सेकंड स्टार वाला, ये पॉइंट निकालना आया बेटा, ये वाला पॉइंट? जी सर। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता है तो बीच का लेंथ तो निकाल ही लेगा तू। ओके सर, ओके सर, हां जी, थैंक यू सर। सो हां जी बेटा,
Sir, could you please could you please recap how we got n as a t square plus 2a? आराम से इधर देखो 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 नॉर्मल का इक्वेशन लिखो. और इसको सॉल्व कर लो किससे? y equal to 0 के साथ. y equal to 0 डाला तो x कितना आ गया? सही है. सर सर आपको ये सब लेंथ इक्वल कैसे आ गई सर? रोम्बस था तो चारों तो इक्वल होंगे ही. हाँ और चारों के चारों ए प्लस ए टी स्क्वायर होंगे क्योंकि ए प्लस ए टी स्क्वायर है. हाँ ये भी ए प्लस ए टी स्क्वायर आ गया. ओके डन. सबको दिख रहे हैं चार सारे पांचों के पांचों लेंथ ए प्लस ए टी स्क्वायर? यस सर. यस सर. कोई और लेंथ भी ए प्लस ए टी स्क्वायर हो तो बताओ. नहीं नहीं बस इतना ही है. सबको पांचों लेंथ समझ में आ गए ए प्लस ए टी स्क्वायर? यस सर. यस एन नहीं हो. अभी देखो रोम्बस की वजह से एक और मजेदार चीज और होती है. जरा ध्यान दीजिए बड़ी मजेदार चीज है. बहुत सर एम और एफ को जॉइन आपको एक चीज समझ में आ रही है. रोम्बस है तो रोम्बस में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है. तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा. जी सर. यस सर. यस सर. ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा. हाँ दिख रहे हैं दोनों अल्फा 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 दिख रहा है? हाँ सर. यस सर. कितने लोगों को दिख रहा है ये अल्फा है ये अल्फा है तो ये भाई साहब टू अल्फा टू अल्फा टू अल्फा. और कितने लोगों को ये भी दिख गया कि ये अल्फा है ये अल्फा सॉरी ये अल्फा है और ये पूरा 90 होना है तो ये वाला पार्ट 90 माइनस अल्फा होगा. जी सर. यस सर. और ये वाला एंगल फिर वो वाला एंगल 90 माइनस अल्फा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना है. यस सर. आइसोसेलेस भी फिर भी 90 प्लस अल्फा. भाई ढंग से कैलकुलेशन करके देख. सुबह लास्ट पे सिखाओ ना एक मिनट के लिए. अभी तक एक ही पेज बनाया है दूसरा पेज बनाया नहीं मैंने. हाँ सर हो गया. सर वो ट्रायंगल पे 2 अल्फा कैसे आया साइड पर? 2 अल्फा कैसे आया बता देते रुको. हाँ भाई साहब ये पूरा एंगल 2 अल्फा है. हाँ ओ समझ गया. अच्छा ये और याद दिला दूं बच्चों ये जो अल्फा एंगल है ये ऐसा एंगल नहीं है जिंदगी में पहली बार आ रहा है. ये वही एंगल है अल्फा. t is equal to cot अल्फा. ये वही वाला अल्फा है समझ रहे हो? यस सर. हां सर. t is cot अल्फा. और आगे देख लो सब जगह अल्फा छाया हुआ है. लिख लो उसको. इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखोगे कैसे याद रखोगे क्या लैंग्वेज लिखो कैसे लिख लो अल्फा छाया हुआ है. Are you put new na property equal to cot alpha क्या लिखे? वहाँ का छाया हुआ है देख लो. ये अल्फा 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 ये 2 अल्फा 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा ऐसा छाया हुआ. क्या हुआ बेटा? छाया हुआ मतलब क्या? मतलब एक एंगल अल्फा की हेल्प से इतने सारे एंगल निकल सकते हैं. Okay. Or you can even write it as property of alpha. हाँ मतलब जो भी है बेसिकली ये जो अल्फा एंगल है ना ये इतना प्यारा है इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल निकालने के लिए पूछा जा सकता है. एक क्वेश्चन दू बेवकूफ बनाने के लिए मतलब सर ये t equal to cot alpha क्यों लिखा है सर? That was the definition of t. t की क्या डेफिनेशन थी? हाँ यस सर. यस टेंजेंट जो पैराबोला की एक्सिस से एंगल बनाएगा उस एंगल के cot का वैल्यू t होता था याद है ना? हाँ यस सर मिल गया. एक क्वेश्चन दू बच्चों अल्फा की प्रॉपर्टी के ऊपर जाइएगा. ओके ये लो चलो ये जेई का एग्जैक्ट क्वेश्चन देता हूँ सबको. मैंने लेवल असाइनमेंट भेजा है क्या? यस सर. सर 1-2 में नहीं भेजा. यस सर. 1-2 में सर नहीं भेजा. 1-2 में नहीं भेजा. 1-2 में नहीं भेजा. अभी भेजता हूँ. अभी भेज देते हैं दोस्तों. वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा. J
यही पता होगा एग्जैक्ट। हाँ मैंने लेवल असाइनमेंट भेजा है, इसमें लेवल टू का ये वाला क्वेश्चन करो, ये जेई का ये कॉपीड है, लेवल टू का क्वेश्चन क्वेश्चन नाइन, लेवल टू का क्वेश्चन नाइन। और तब भी बच्चों से हो गया था, सबको पता थी ये प्रॉपर्टी है। सर अल्फा ही आएगा ना, अल्फा ही आएगा आंसर। हो गया सबसे? हाँ सर। यस सर। यहाँ पे लोग पीटी और एक्सिस के बीच का ही पूछ रहे ना, मतलब डायरेक्ट वाला पूछ। हाँ, ये वाला एंगल दे दिया बेटा और ये वाला मांग रहा है। ओके सर। तो समझ रही है, मतलब वो अल्फा को बता देगा और फिर इनमें से कोई से भी एंगल पूछने लगेगा, वो बोलेगा फाइंड द एंगल जो फोकल लेंथ नॉर्मल से बनाएगी। तो आपको समझ में जाना चाहिए, अच्छा ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है तो ये 60 डिग्री आएगा। ओके ऐसा है, समझ रही हो? ओके वैसा yes. पूछ लेगा, ये एंगल मैंने दे दिया आपको, अब बताओ वो फोकल लेंथ एक्सिस से क्या बनाएगी। तो अगर ये 30 है तो समझ जाओ ये 2 अल्फा मतलब 60 डिग्री हो गया। अच्छा अच्छा ये था, इसलिए आपको ये अल्फा पता होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? यस सर। तो ये फिगर याद है? अच्छा एक चीज सुनो, जो लोग ये बात समझ गए सर, यहाँ तक नोट कर चुके हैं सब लोग ये सब चीजें? हाँ जी बेटा। सर तो फिर ये फिगर याद रखे, फिर अल्फा अल्फा याद रहेगा ना? हाँ। सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर जो टी और एन है वो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल विद एक्स एक्सिस लिया है, तो वो विद एक्स एक्सिस है या एक्सिस ऑफ पैराबोला? जैसे एक्सिस ऑफ पैराबोला के लिए है, तभी तो टी इक्वल टू कॉट अल्फा बनाया। इधर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया तो इसलिए एक्स एक्सिस। अगर तुम हर बार एक्स एक्सिस से करने लगोगे बेटा तो तुम खुद ही बताओ टेंजेंट क्या रोम्बस बनाएगा, मतलब रोम्बस थोड़ी बनेगा फिर। इनको प्रूव करने के लिए हम y square equal to 4x की हेल्प ले रहे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन में बताता हूँ ना कि कोई कुछ नहीं दिया तो y square equal to 4x assume करके स्टार्ट करो। ये रोम्बस हर बार आएगा, ये हर बार आएगा, ये हर बार आएगा, ये हर बार। बस उस केस में x एक्सिस नहीं लोगे, उस केस में क्या लोगे? पैराबोला का एक्सिस लोगे। समझ रहे हो? अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। यस सर। बोलो एक्सिस सर के चल सकते हैं नेक्स्ट पेज पर। यस सर। सर आप कुछ पैराबोला का एक्सिस बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे पूछ रहे हैं सर ये दूसरे पैराबोला में किस तरह से दिखेगा। दूसरे पैराबोला में बच्चों कुछ नहीं दिखेगा, फिगर बस टेढ़ा कर लो और क्या है। अच्छा तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू दैट पैराबोला के रिस्पेक्ट टू पैराबोला का एक्सिस हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। हां यस थैंक यू। हेलो सर। हां जी बेटा। सर वो एक डाउट था सर, जो m आपने लास्ट पेज पे बनाया था सर, उसका y कोऑर्डिनेट आपको कैसे आया था सर? वो तो इसी का y कोऑर्डिनेट होगा, p वाले का। अरे हां ओके थैंक यू। चलें आगे सर। तो तो फिर वो पैराबोला के लिए हम कैपिटल y कैपिटल x डायग यूज करेंगे कि हम लोग फिर विद रिस्पेक्ट टू रियल ऑब्जर्वर लेंगे। इन चारों पॉइंट में से किसी भी जगह कैपिटल y कैपिटल x की जरूरत है क्या? रोम्बस विल बी अ रोम्बस, दिस लेंथ विल बी दिस लेंथ, t विल बी cot alpha, alpha विल बी द एंगल्स। इसमें कौन सी इक्वेशन निकाल रहे हैं इसमें कैपिटल y कैपिटल x चाहिए? ओके ओके सर समझ रहा है बेटा? नहीं जस्ट फॉर इन्फो चाहिए था सर। ओके किसी बच्चे को कोई डाउट मैं पेज पलट सकता हूँ, देख लो।
ठीक है, अभी रोम्बस खत्म नहीं हुआ है, रोम्बस तो अभी मचाएगा। अब रोम्बस देखो क्या करता है, अगली चीज वापस फ्रेश डायग्राम बनाएंगे बच्चों। जितनी बार इसका डायग्राम बनाओगे उतनी बार आपको फील स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये इजी नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं आज, आज इस चैप्टर का टफेस्ट पार्ट है ये। घबराओ मत, उतना भी टफ नहीं है कि हम ना कर पाए, कर लेंगे। ये रोम्बस है, वापस डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम क्या कहता है, एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे जो टेंजेंट है, पॉइंट पी पे टेंजेंट है, उसका पैरामीटर टी है, उसने कहा कोई भी पैराबोला ले लो, हमने कहा ठीक है हम तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लेंगे, क्योंकि तुमने कोई एक्सिस वेक्सिस बनाई नहीं, तो हमने तो बड़े मजे से एक्सिस वेक्सिस डिफाइन कर दी। हमने कहा ये फोकस है, हमने कहा ये FP, और अगर हम डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे दोस्तों, FP और ये इक्वल होगा, बनाओ बनाओ बच्चों डायग्राम, बना रहे कि नहीं बना रहे सब लोग, जानबूझ के दोबारा बना रहा हूँ डायग्राम ताकि आपको फिर याद आए क्या कहानी थी। ये पॉइंट टी था और यहाँ पे सबको याद आ गया, ये रोम्बस था, ये सारी लेंथ a प्लस ए टी स्क्वायर आती है, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल चलता है, या नॉर्मल चलने के बाद क्या 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 अरीब माइक ऑन है, ये सारी लेंथ a प्लस ए टी स्क्वायर आती थी, याद आ गया? यस ठीक है, सबको ये भी याद आ गया होगा कि अच्छा अच्छा ये एंगल अल्फा होता है जिसका cot अल्फा t होता है, ये एंगल भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होंगे, ये 2 अल्फा होगा, याद आ गया सब? अच्छा अब इधर देखो जरा, एक और मजेदार चीज है यहाँ पे जो छुपी हुई है, वो मजेदार चीज देखो क्या कहती है, ध्यान से देखना, सबको दिख रहा है ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है। मैं बार जानबूझ के बनाऊंगा, क्योंकि जितनी बार मैं बनाऊंगा उतनी बार आप बनाओगे, और उतनी बार बनाने के बाद आपको याद हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो तुम्हें दिख रहा है येलो लाइन ऑरेंज लाइन का एंगल बाइसेक्टर है? यस सर। तो ये एंगल बाइसेक्टर, यहां तक कोई बच्चा परेशान? हेलो सर। हाँ जी सर, हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो रेड लाइन है वो ऑरेंज लाइन का बाइसेक्टर होगा? बिल्कुल, आ रहे तो ये एंगल बाइसेक्टर दिख रहा होगा आपको येलो वाला, बच्चों ये भी दिख रहा होगा कि यार अगर येलो वाला एक एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरा बाइसेक्टर उसके परपेंडिकुलर ही होगा। हाँ। तो कितने लोगों को दिख गया कि अबे ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बाइसेक्टर होगा? तो बेसिकली ये जो पी एफ और पी एम है, इनका एक एंगल बाइसेक्टर तो टेंजेंट है और दूसरा एंगल बाइसेक्टर कौन है? नॉर्मल। हाँ ए तो लिख लो, क्या लिखोगे? टेंजेंट एंड नॉर्मल बाइसेक्ट। सबको समझ में आ रहा है, दो बाइसेक्टर होते हैं दो लाइंस के बीच में, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, हाँ है ना? यस सर। एंगल्स मेड बाय
lines. कौन सी lines? Extended lines of sides of rhombus. PF and PM. ये बात समझ में आती है? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. बच्चों पीएम वाली जो लाइन है जो एक्सटेंड होकर जा रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर. डायमीटर. और इसको क्या बोलते हैं? फोकल कोण. फोकल लेंथ. फोकल लेंथ. फोकल रेडियस कुछ भी बोल सकते हो. तो इसको पता है लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल bisect the angle between focal radius and diameter. ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. Okay. सबने ये property note कर ली अच्छे से angle bisector वाली? ये तो देखा जाए तो इसी डायग्राम में भी दिख रही थी. इस डायग्राम में अल्फा अल्फा दिख ही रहा है. पर्पल वाला बाइसेक्ट करेगा. अब जब पर्पल वाला करेगा तो पर्पल के परपेंडिकुलर वाला भी करेगा. हाँ या ना? हाँ सर. यस सर. हाँ सर. कोई बच्चा दुखी यहां तक? कोई भी प्राणी दुखी? नो सर. सब लोग पीएम को बोला. डायमीटर पीएम को. पीएम बेटा डायमीटर होता है. मैंने बताया था ना पैराबोला में डायमीटर का मतलब क्या होता है. सर सारे वो रीजन नहीं बताया मैंने अभी तक आपको. कैसा क्यों है ये डायमीटर का अजीब सा क्यों है? पर वो पढ़ेंगे अभी पहुंचे नहीं है माता. अच्छा ओके ओके. नेक्स्ट पेज पे चलूं बच्चों? यस सर. नहीं सर रुकिए. ये रोम्बस की चार प्रॉपर्टी बेसिक वाली इसकी वजह से भी एंगल बाइसेक्टर वाली आई. सबको दिख रहा है ये एंगल बाइसेक्टर वाली? अरे ठीक है नाम क्या लिखना है ये तो याद हो ही गया होगा यार. कुछ खेल नहीं. हाँ अगली वाली बताओ. अगली वाली प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अगले पेज पे चले बच्चों. फिर डायग्राम बनाऊंगा मैं. ध्यान दीजिए मैं जानबूझ के बार बार डायग्राम बना रहा हूँ. यस सर. आप भी बार बार बनाओ. चले इस तरह से याद yes. होती है प्रॉपर्टी. आज ही देखना क्लास में याद हो जाएंगी कि क्या था कहानी. अब देखो क्या मजेदार चीज होगी. कितने लोगों को यहां पर ऐसी फील आ रही है देखना जरा. ये 90 है ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप की. मतलब अगर ये येलो लाइन या पर्पल वाला ये ब्लू वाला पार्ट मिरर है तो एक लाइट रे ऐसे आया टकराया. टकरा के कहां जाएगा? फोकस पे जाएगा. दिख रहा है ना? यस सर. तो कोई लाइन डायमीटर के अलोंग आई टकराएगी और फोकस पे जाएगी. इनफैक्ट सबको पता है लाइट उल्टा भी चल देती है. अगर वो फोकस से निकली चली चलती गई टकराई तो फिर वो क्या चली जाएगी? इनफिनिटी. लाइट रे वाला फील आ गया यहाँ पे. सब लाइट रे फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो. यस सर. यस सर. आराम से पेशेंट से देख लो लाइट रे का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा क्योंकि ये एंगल इक्वल है आपस में.
याद रखो कभी भी कभी भी किसी 90 डिग्री के साथ ऐसे एंगल इक्वल होते हैं तो हमेशा उसमें रिफ्लेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, रिफ्लेक्शन ही एक तरह का वो। सर नॉर्मल भी मिरर हो सकता है ना, मतलब वो दूसरा हो सकता है। अभी मैं टेंजेंट को मिरर मान लूं, ओके नॉर्मल मिरर मानते तो उससे भी उसी प्रॉपर्टी का नया वर्जन आ जाता, वो उतना रटेबल नहीं है, इतना प्यारा नहीं है। ये बड़ा प्यारा है, इस प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों लिखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, बताता हूँ इसके बारे में भी किस्सा। बच्चों जब तक आप इन चीजों को ऐसे नहीं पढ़ोगे ना तब तक ये बाउंसर ही जाएगा, ये इसको आपको रस लेना पड़ेगा कि अच्छा ये है कहानी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ऐसा कहती है एक पैराबोला है, उस पैराबोला का फोकस है, तो अगर फोकस से लाइट रे चला, फोकस से लाइट रे चला और चल के क्या किया उसने पैराबोला से टकराया, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। टकराने के बाद वो क्या करेगा? एक्सिस एक्सिस के पैरेलल में, चाहे तुम कितने ही बना लो, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कितने कितने ही बना लो, ये तो एरर के फोकस की तरह ना। हाँ वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको उल्टा चलाने की इच्छा भी है, उल्टा चलाने की इच्छा भी है, उल्टा आया एक लाइट रे टकराया, टकराने के बाद क्या करेगा? फोकस से पास करेगा। उल्टा आया लाइट रे टकराया, टकराने के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से। उल्टा भी ट्रू है, तो इसको लिखेंगे कैसे? हाउ टू राइट इट, देखो एनी लाइट रे, कौन सा वाला लिखोगे? पर्पल वाला पार्ट लिखना है कि ऑरेंज वाला लिखना है? पर्पल वाला, पर्पल एनी लाइट, एनी लाइट रे पर्पल वाला लिख रहे हैं, एनी लाइट रे जो क्या करती है, इमर्जिंग फ्रॉम फोकस से निकली, उसके बाद क्या करेगी? एंड स्ट्राइक्स द पैराबोला। हाँ, हिट्स द पैराबोला। उसके बाद क्या करेगी दोस्तों? पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, रिफ्लेक्टेड reflected and goes parallel to the x-axis. Correct. X-axis मत बोलो. X-axis of parabola. Parabola. To axis of parabola. इसी को reflection property बोलते हैं parabola की, और ये बहुत crucial property है. आपको पता है the reason we are studying this parabola is because of 90% because of this property. दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला ही है। बच्चों आप लोग तो मुंबई में रहते हो, वहां कोई खास ठंड पड़ती नहीं है, पर पता है ठंड वाले इलाकों में गाड़ियों के आगे एक लाइट होती है, इसका नाम होता है फॉग लाइट। यस सर। तो फॉग लाइट में क्या होता है ना, वो एकदम सीधी रोशनी जाती है उससे, फॉग धुंध में ना वो गाड़ी दिख जाती है दूर से। क्यों दिख जाती है आपको पता है? फॉग लाइट का जो मिरर होता है वो कौन सी शेप का होता है? पैराबोला। और वो लोग क्या करते हैं, फोकस पे रख देते हैं बल्ब, उससे क्या फायदा होगा इनको? इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी का सीधा सीधा लाइट रे। अच्छा हां यस सर। बाकी जो मिरर्स होते हैं ना वो लाइट रे को इधर-उधर फेंक देते हैं, तो इधर। अच्छा इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि एक सीधी जाएगी रोशनी। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं करेगी, पर सीधी तो जाएगी। बीम फोकस्ड रहेगा एक जगह। हां बीम फोकस्ड रहेगा एक जगह। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं एक और जगह, देखो जरा सबके घर में वो टाटा स्काई डिश टीवी लगा है? हाँ सर, वो भी वही शेप। डिश टीवी का डिश होता है ना, उसका क्या शेप? वो भी सेम शेप का होता है, पैराबोला जैसा। पैराबोला शेप का होता है, और यहाँ पे उसके फोकस पे ना एंटीना रखा होता है, तो वो सिग्नल आता है, टकराता है, तो फिर इतने। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। इनफैक्ट एक और चीज सबसे पता नहीं यूज करते, सोलर कुकर देखा? हाँ यस सर, देखा है।
इतना बड़ा सोलर पैनल में सब लगा। सोलर कुकर में भी ना आपको पता है एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है और फोकस पे खाने का डब्बा रखा होता है, खाना रखा होता है ताकि, समझ रहे हो ना? जो भी आए फोकस पे। आपने कोई दूसरा मिरर यूज कर लिया तो पता है क्या होगा, खाना पका नहीं डब्बा जल गया आपका। समझ रहे हो, एग्जैक्ट उधर ही गिरेगा। हाँ, इधर सीधा का सीधा वही होता है। तो ये नोट कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। सर वो रिक्शा के लैब में भी रहते हैं ना सर, वो बीच वाले। अगर आप आईआईटी का होके बाय चांस आपने एरोस्पेस ब्रांच ले ली तो वो लोग आपको सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे। वो सबसे पहले आपको पैराबोला के बहुत सारे फंडे पढ़ाएंगे और स्टार्टिंग उनका पहला चैप्टर ही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से स्टार्ट होगा। इतनी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लो बहुत अच्छे से। अब क्या भूलोगे, इतनी कहानी बता दी इसके बारे में। सर हाँ जी सर, आप डिश टीवी वाला एग्जांपल फिर से बता दो प्लीज। डिश टीवी वाला कुछ नहीं है, आपको ना ऊपर सैटेलाइट, यहाँ पे एक सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट से सिग्नल्स आते हैं। यस सर, लेमैन की लैंग्वेज में बोल सकते हैं इन्फिनिटी से जो चीज आ रही है वो पैरेलल होती होगी। यस सर, तो उसे टकरा के आपका जो रिसीवर है वहीं पे आना चाहिए सारे सिग्नल, इधर उधर नहीं भागने चाहिए। ओके सर, यस सर, थैंक यू। आपको किसी भी चीज को एक जगह कन्वर्ज कराना होगा ना दूर से आती हुई चीज को, तो यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्टर लगना चाहिए पैराबोलिक? सर 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 को सर डिश टीवी के इसमें सर पैराबोलिक मिरर तो लाइक आपने लाइक फॉग लाइट के एग्जांपल में बताया कि लाइक इट लाइक बहुत नैरो जगह में इट कैन फोकस ऑन अ वेरी नैरो प्लेस। सर सो मतलब इफ यू यूज अ कॉन्वेक्स, इफ यू यूज लाइक अ कॉन्वेक्स शेप डिश इन फॉर अ, ये ना कुछ चक्कर है इसका ना, ये फिजिक्स वाले सर बताएंगे कि वो जो आपको स्फेरिकल मिरर या उनको पढ़ाते हैं ना उनमें शायद एक्चुअली वो पैराबोलिक ही होते हैं, कुछ चक्कर है उसका। फिलहाल अभी मैथ्स पे इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, उतना सोचते नहीं क्योंकि मेरे को इसके ऊपर और भी दो चार चीजें करानी है। ठीक है, थोड़ा सा बात मुझे भी फिजिक्स वाले सर से डिस्कस करने दे कि फिर उसको स्फेरिकल बोलते हैं कि पैराबोलिक होते हैं, क्या होते हैं वो, लेट मी डिस्कस विद हिम। ओके, इन कंडीशंस में ये हेमिस्फीयर क्यों नहीं लेते? किसमें, इन तीनों में? हाँ, पैराबोला क्यों लेते हैं? हेमिस्फीयर में तो घुसेगा ही कैसे लाइट, तू बल्ब लगा भी देगी तो क्या मिलेगा तुझे? आधा आधा स्फीयर नहीं, हेमिस्फीयर। ओके, तो चल तूने आधा ये लिया, और बल्ब कहाँ रख रही है तू? सेंटर पे सर। ओके, वेरी गुड, सम ऑफ द लाइट विल गेट। अब देख जरा इसमें गड़बड़ होगा, ये तूने ये किया, देख देख जरा ध्यान से देख, तूने ना ये तेरा हेमिस्फीयर है, अब तूने यहाँ सेंटर पे तूने बल्ब लगा दिया, तुम्हें लग रहा है इससे मैं सीधी लाइन मार दूंगी, तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है, तुम्हें करना तो वही पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट? तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, ये लाइन जब यहाँ टकराएगी ये वापस ही ऐसे ही निकल देगी, वापस आई टकराई और वापस ये होगा, कुछ मिला हमें नहीं। हाँ तो वो पैराबोला ही है, पैराबोला ही मस्त है, दुनिया पैराबोला यूज करती है, कुछ कारण है उसका, बरसों से यूज हो रहा है पैराबोला। चलो जी, अच्छा ऐसे मैथ्स में आप कैसे यूज करोगे? किसमें? मैथ्स में कैसे यूज करोगे प्रॉपर्टी को? अरे यार क्वेश्चन आएंगे। अच्छा क्वेश्चन दो दोनों, रुको जरा जेई का क्वेश्चन ढूंढो। All light rays parallel to y-axis after reflection from this pass through a fixed point, find that fixed point. Hello. Sir, could you show that reflection property page 1 minute? Yeah, logi.
So can you please show the question again? So वो 90% का मतलब क्या है? Done, sir. कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये वाला जो पैराबोला है? इस पैराबोला के लिए यही है ना, कैपिटल वाई इज माइनस वन माइनस वाई, कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस थ्री, दिख रहा है ना? यस एंड कैपिटल ए इज थ्री. बहुत बढ़िया. इस पैराबोला की y स्क्वायर ना तो उल्टा होगा सर, उल्टा लिखा है y का वैल्यू x माइनस 3 आएगा. यस सर. ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, तुमसे नहीं हुई तो क्या बोलूं. अब ठीक है? यस सर. यस सर. ओके शाबाश. तो भाइयों इसकी एक्सेस क्या होगी? वो करें एक्सेस विल बी एक्स इक्वल टू कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्सेस है. तो एक्स इज इक्वल टू थ्री अगर एक्सेस है दोस्तों, तो डू यू रियलाइज एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस इज एक्चुअली पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ पैराबोला. यस. तो यानी ये लाइट रे इस पैराबोला की एक्सेस के पैरेलल आ रही है ना? हाँ सर. यस हाँ सर. तो लुक, दीस लाइट रेज आर पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ पैराबोला. अब वो पैराबोला को टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट करके वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे. वो फिक्स पॉइंट कौन होगा? फोकस. 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 वाई फोकस अपनी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी. तो अपना आंसर फोकस का कैपिटल ए कॉमा जीरो लिखेंगे. कैपिटल ए कॉमा जीरो एक गलत आंसर है, जिसको हमें सही करना पड़ेगा. सब कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे. Yes, निकाल लें. Yes, sir. इसके ऊपर और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी बना के दूंगा मैं तुम्हें, रुको जरा. ये तो काफी डायरेक्ट था एक्चुअली. तुम्हें एक चीज बताऊं, ये डायरेक्ट इसलिए था क्योंकि अभी पढ़िए एग्जाम में, तुम समझ रहे हो ना? यस सर. ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में सर. रेज इंक्लाइंड हो ऐसा भी है? इंक्लाइंड रे कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो इधर उधर 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 निकल जाएंगी. नहीं सर, पैरेलल रेज होगी पर इंक्लाइंड होगी. मतलब इंक्लाइन टू द एक्सिस. वही तो कर रहा है. मतलब ये चला चाहिए, ये पैराबोला है तो लाइट रे ऐसा आ रहा है, पैरेलल आ रही है पर ऐसे आ रही है ये. यस हां. यस. इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं. ओके सर. सर आपको एक बार रिपीट कर सकते हैं, आपने बोला कि वो एक्सिस वाई एक्सिस से पैरेलल आप ऐसे कुछ बोल रहे हैं? लाइन सारी की सारी जो आ रही है वो वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है. हां लाइट रे वो वाई एक्सिस के पैरेलल आती जा रही है लाइट रे, पर इस पैराबोला की एक्सिस x इक्वल टू 3 है. हाँ. वो ऐसी होती है, इसका मतलब लाइट रे एक्सिस के पैरेलल आ रही है पैराबोला. हाँ सर. यस सर. बस यानी कि वो डायमीटर है. राइट. ओके. तो जैसी पैराबोला से टकराएंगी, तो टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होंगी तो कौन से पॉइंट पे जाके मीट करेंगी? फोकस पे. थैंक यू. लेकिन वो जो पैरेलल टू द एक्सिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ना एक्सिस ऑफ पैराबोला. क्या 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 फिर से बोलो.
सर आपने बोला था कि जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होती लाइन उसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। भाई साहब मैंने ही बोला था जो पैराबोला की, एक मिनट, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है लाइन उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं, ये कब बोला मैंने? सर अभी तक तो हम वही ले रहे थे ना सर वो। नहीं इनको पहली बात इन फिगर में, इस फिगर में, ये वाली फिगर में जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसे मैं डायमीटर बोल रहा था। हां यस। दूसरी बार x एक्सिस क्यों बोल रहा था इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया हुआ था। यस हां। जनरल किसी पैराबोला के लिए बात करूंगा तो डायमीटर क्या होता है, पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल लाइंस होती है। हां यस। समझ गया? अच्छा व्हाट इज अ डायमीटर, ये लिख लो भैया। डायमीटर इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, नॉट x एक्सिस। हां हां यस। चलो जी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी नोट कर लिया सबने? Done? Yes, sir. ये देखो वापस रोम्बस पे जा रहे हैं। उस रोम्बस की वजह से इतनी सारी खुफिया चीजें निकल के आती हैं कि अपने को उनको अच्छे से नोट करना है। ये काफी टफ पार्ट है इस चैप्टर का, पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मजा आएगा। ये रोम्बस है भाई साहब, बनाओ जी डायग्राम सब बच्चे रोम्बस का। वापस ये पॉइंट पी, ये पॉइंट एफ। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है उसी पुराने डायग्राम में घचपच करे जा रहा है? ऐसे भी बच्चे होंगे। हाँ सर तो बेवकूफ है, सर बार 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 डायग्राम बना रहे हैं। मैं होशियार हूं, मैं तो उसी डायग्राम में घचपच करके समझ जाऊंगा सर। भाई साहब बिल्कुल याद नहीं होगा, फिर एक दिन वही बच्चा मुझे व्हाट्सएप करेगा कि सर कैसे याद करूं। ये रोम्बस है, ये टेंजेंट है, जरा ध्यान से देखना। ये रोम्बस था, ये सब एंगल इक्वल थे। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल वही अल्फा एंगल है? Yes. बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट जेड दिख रहा है? जेड हाँ दिखा। जहां पे डायरेक्टर को कट किया जा रहा है बच्चों, ये वाला दिख रहा है? ये वाला लाइन देखा ZF? सब बच्चे मुझे दो मेथड से प्रूव करके दिखाएंगे, प्रूव दैट एंगल ZFP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और कितने मेथड से करके दिखाएंगे? दो करके दो। सर हाँ मुझे सर एक प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट था सर। बोलो। आपने कैपिटल एक्स को 3 क्यों लिया सर? जीरो होना चाहिए ना, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 माइनस यहाँ पे सर कहाँ लिया? नीचे पर्पल में लिखा है ना, पर्पल में स्मॉल एक्स है। नहीं सर पर्पल में नीचे कैपिटल एक्स इक्वल टू 3 लिखा है आपने। ओ अच्छा, अरे ये तो फोकस निकाल रहा हूं ना यार, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। अच्छा वैसे ओके ओके सर, फोकस निकाल रहा हूं ना, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए। समझ गया बेटा? यस सर। यस सर।
वो लेक्चर देखा है ना सब बच्चों ने नॉर्मलाइजेशन वाला? यस सर यस सर यस सर यस सर करो दो मेथड से करके दिखाना। क्या उसने कोई पैराबोला दिया? नहीं नहीं अपन नहीं। क्या करेंगे सबसे पहले अपना एक्सेस चॉइस ऑफ ओरिजिन जिंदाबाद उसी पैराबोला को वही कर देंगे ये टी पॉइंट ले लेंगे कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। हाँ इसलिए दो मेथड बोले। अच्छा कई बच्चे पता है कई बच्चे और कई बुक्स वगैरह पता है क्या करती हूँ और बेकार ही बुक्स होती है वो पता है सबको ना इससे ना करने की कोशिश करती है मतलब मैं दिखाता हूँ जैसे इस क्वेश्चन करने के दो तरीके दिखाता हूँ तो उसमें से एक तरीका देखो ध्यान से देखना क्या करेंगे हम ये अल्फा एंगल दिख गया मेथड वन देखो जनता मेथड वन हाँ ये अल्फा एंगल दिख गया आया ना यस सर हाँ सर ये जेड पी मैं दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ पहले दोनों ट्रायंगल देख लो कौन कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है एक ट्रायंगल है ये पर्पल वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्रायंगल एक पर्पल वाला और एक ट्रायंगल मैं बात कर रहा हूँ बच्चों ये ग्रीन वाला आई होप एवरीबडी हैज सीन दीज टू ट्रायंगल्स देखा सबको yes, sir. अब मुझे बताओ yes, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले वो सबको अल्फा इक्वल टू अल्फा दिख गया yes, sir. Yes, sir. नहीं दिख रहा अल्फा इक्वल टू अल्फा इधर पीजेड इज कॉमन साइड और CF, PM, EF, property of parabola. SAS congruency. SAS के हिसाब से congruency हो गया. Yes or no? Yes, sir. तो ये 90 है, तो ये भी क्या होगा? 90. Third one congruency से हम कर सकते हैं. Sir, दूसरा Pythagoras. RHS congruency, sir. Congruency लिख रहा हूँ. सारे मैंने slope निकाल के multiply कर दिया. हाँ, सारे method congruency वाले एक ही हैं. चाहे कोई सी कॉन्ग्रुएंसी लगा लो मैं उनको अलग अलग नहीं काउंट कर रहा हूँ क्लास टेंथ में नहीं पढ़ रहे क्लास टेंथ का बच्चा बोलता है ना मैंने ऐसे ऐसे कर दिया सर मैंने उससे कर दिया एक कॉन्ग्रुएंसी आ जाए तो सारी आ सकती है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इधर देखो कॉन्ग्रुएंसी से कैसे लिखेंगे वो बच्चे पी जेड इक्वल टू पी जेड कॉमन ऐसे लिखते थे ना सर ऐसे लिखते थे पी एम इक्वल टू पी एफ प्रॉपर्टी अल्फा इक्वल टू अल्फा बाइसेक्टर छोटे बच्चे बड़े खुश होते हैं सबके सो देयरफॉर एमपीजेड इज कॉन्ग्रुएंट एमपीजेड। अच्छा कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये वाला मेथड यहाँ पे कूल जरूर लग रहा है लेकिन ये वाले मेथड ना आगे पिट जाते हैं बुरी तरह से समझ में आ रहा है तभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिराइव की गई है क्योंकि ये मेथड बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं और लेट मी टेल यू ये जेई के लिए अच्छे नहीं है मतलब जेई के लिए ठीक है इनको भी ऐसा नहीं कि हम इनको सीखेंगे नहीं सीख लेंगे पर इन पे डिपेंड करना मतलब जेई को मतलब स्वाहा कर देना बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जेई के सिलेबस में ज्योमेट्री सिलेबस में नहीं है तो जेई में असली ताकत किस चीज की टेस्ट होगी आपकी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट नहीं करना है जो जी चाहता है वो करना है जो जेई चाहता है। मैं तुम्हें बताता हूँ जेई में आज तक ऐसे क्वेश्चन मतलब मैंने तो एक दो भी नहीं देखे जिसमें प्योर ज्योमेट्री के हिसाब से कुछ होता हो गाड़ी चलती हो ठीक है तो फिर क्या बोलूंगा सर एंगल जेड एम पी इज इक्वल टू एंगल जेड एफ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री वो होता है ना बाय सीपीसीटी कर लो ये अच्छा है मतलब मजा आ रहा है ठीक है सही है मेरे को तो जानबूझ के इस 90 डिग्री पे टाइम पास करना ही है ताकि जितनी देर मैं टाइम पास करूंगा आपके दिमाग में फिट बैठेगा तो इसलिए वैसे आपको पता है मेरे पास 7 मेथड है इसको 90 डिग्री प्रूव करने के 7 आप बताओगे सर बिल्कुल नहीं क्या 7 है क्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं सर दो ही मेथड ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्लिक क्वाड्रिलेटरल सर दूसरा मेथड सर वैसे ही कुछ लग रहा है आप चुप 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 नहीं लग रहा सब चुप आज से 7-8 साल पहले नहीं आज से 9-10 साल पहले कि मेरे कुछ वीडियोस पड़े होंगे कुछ एक आध तो पता है मैंने उसमें कितने डिटेल में ये सब चीजें इस तरह से करा रखी हैं इतनी प्रॉपर्टी इतने फंडे टीचर लोग बैठा करते थे उन लेक्चर्स में मेरे देखने के लिए वो टाइम था लेकिन तुम्हें पता है कि वो टाइम अलग था जब सब्जेक्टिव पेपर आते थे
फालतू टाइम पास करने का टाइम होता था, बच्चों के पास कोई फालतू टाइम नहीं है, फोकस ऑन व्हाट। अच्छा मेथड टू देखो बहुत इजी है, डू यू वी नो द पॉइंट एफ, आया ना? डू वी नो पॉइंट पी और नॉट, आया ना? कैन वी पॉइंट पॉइंट जेड और नॉट, वेरी इजीली। जेड कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस से और टेंजेंट से सॉल्व करके, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर ले लो, इसे एक्स इक्वल टू माइनस ए से सॉल्व कर लो, हाँ या ना? यस सर, यस सर, एक्स इक्वल टू माइनस ए से सॉल्व कर लो, ये एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो है, अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिंदाबाद। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए डालोगे तो वाई आ जाएगा, करेक्ट? तो जेड पॉइंट आ गया आपके पास, जेड पॉइंट क्या है? माइनस ए कॉमा माइनस, हाँ, ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी, आया ना? यस सर। अब हमारा काम क्या है? 90 डिग्री प्रूव करना है। 90 डिग्री प्रूव करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? स्लोप ऑफ, स्लोप, स्लोप इक्वल टू माइनस वन डाल दो, करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। तो मैं आपको बीच बीच में मेथड वन टाइप के मेथड बताता रहूंगा, लेकिन याद रखना एग्जाम में आपका मेथड टू ही यूज होगा। सर फोकल कॉर्ड का स्लोप तो पहले से ही पता है। फोकल कॉर्ड का स्लोप ऐसे रटा ही होगा तुम्हारा, याद है इसका स्लोप कितना होता था? 2t / t² - 2t / t² - सर, और नहीं भी याद है तो निकाल लो यार। सर 2 / t1 + t2 जनरल स्लोप रहता है पैराबोला के अंदर। ओके जेड का सर आप वो m2 वापस से समझा सकते हो? किसका? मेथड टू ये समझ में आया बेटा? जेड पॉइंट निकाला मैंने। हाँ सर। कैसे निकाला? टेंजेंट को इस लाइन से सॉल्व करके। हाँ। तो जेड पॉइंट आ गया, पी पॉइंट पता है, एफ पॉइंट पता है, तो इन दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन कर दूंगा बस। ओ अच्छा। तो जेड एफ का स्लोप, जेड एफ का ए ए टी स्क्वायर माइनस ए बाय टी माइनस क्या? हाँ जेड की कोऑर्डिनेट जीरो अपॉन माइनस ए माइनस ए, देखना जरा प्रोडक्ट कितना आ रहा है। आ गया यार माइनस वन आ रहा है। दिख रहा है? यस सर। सो ध्यान रखिएगा मेथड वन भी अच्छा है, मेथड वन में कोई कमी नहीं है, मेथड टू बहुत अच्छा है। हम मेथड वन भी सीखेंगे, मेथड टू भी सीखेंगे, मेथड वन पे रिलाय नहीं करेंगे, अगर बाय चांस कभी जरूरत पड़ गई तो यूज कर लेंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि मेथड ज्योमेट्री वाले मेथड से बेटर होंगे? डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पर क्या ऐसा कोई क्वेश्चन जेई में आया आज तक? नहीं। क्या कभी आएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं मेथड वन? यार इंटरेस्ट तो लेना ही चाहिए ना चीजों में, थोड़ा बहुत मजा तभी आएगा। पर हाँ रैंक की आहुति नहीं दे सकते, समझ रहे हो ना तुम? यस सर। हाँ मतलब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अपनी जगह है, रैंक अपनी जगह है। तुम्हें याद है उसने एक 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 पिक्चर में ऐसा बोला था, कामयाब होने के लिए नहीं, क्या था वो? काबिल होने के लिए पढ़ो कामयाबी। भाई साहब कामयाब होने के लिए भी पढ़ो और काबिल होने के लिए भी पढ़ो, ये जेई है, ये बोर्ड्स नहीं है कि खाली काबिल होने के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए पढ़ो, दोनों ही करना होता है इंसान को, खाली काम। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई यू शुड बी गुड विद नॉलेज एज वेल एज एप्लीकेशन, तो योर एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट हैज टू बी एक्सेप्शनल। चले आगे सर, एक और मेथड ना, मतलब ऊपर अल्फा है इधर 90 है, तो सर हम 90 माइनस अल्फा एंगल कह सकते हैं एम जेड पी का, एम जेड पी को 90 माइनस अल्फा बोल सकते हैं। हाँ और एंगल बाइसेक्टर है तो सर वो वाला भी 90 माइनस, वो सब यही है इफेक्टिवली यार। तो लेकिन
प्रूफ कैसे करेगा कि वो एंगल बाइसेक्टर है? मत सोचो इतना, टेंशन नहीं होगा ना। चुप, क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही का क्वेश्चन करना, क्वेश्चन देना, क्वेश्चन दे। यस सर, यस सर, यस सर, सब लोग ना मतलब बातें पूरी करेंगे। क्वेश्चन लिखो। फॉर द पैराबोला a tangent is drawn at a variable point P. Then a circle is drawn on the portion of tangent intercepted between portion of tangent intercepted between point of contact and directrix. Circle is drawn as a diameter. This circle passes through a fixed point. Find that fixed point. करो। अच्छा, previous जो property हमने पढ़ी ना बच्चों, उस प्रॉपर्टी की जरा लैंग्वेज, ये पहले क्वेश्चन का एक बार जरा सब लोग पिक ले ले, मैं प्रीवियस पेज पे जा रहा हूँ, एक लाइन लिखनी रह गई है वहां पे, वो लाइन लिख देते हैं पहले। ले लिया सर। Noted, sir. हाँ जी, लिख लिया ये एक बार, इसका इसका ना बच्चों जो आपने प्रॉपर्टी प्रूव करी ना, इसका लैंग्वेज लिख ले,
कि इसका लैंग्वेज क्या आता है, इसको बोलता कैसे हो। अब जरा सुनो बच्चों, इसको बोलता कैसे एक बार लैंग्वेज बता दूं मैं इस पेज पे, अगले पेज पे इसका लैंग्वेज देखो जरा, ये बोलता है, ध्यान से देखना लैंग्वेज, और बहुत ही अजीब सा लैंग्वेज है ये। मुझे इसका लैंग्वेज समझने में भी दिक्कत आती थी जब मैं तैयारी कर रहा होता था, लेकिन अब ठीक है, अब समझ जाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाहता है, ध्यान से देखना, लैंग्वेज वेरी पेक्यूलियर लैंग्वेज इट यूजेस। ये टेंजेंट है, ये पॉइंट पी है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ऐसा ही डायग्राम है ना। अब ध्यान से देखो, द लैंग्वेज ही सेज इज पोर्शन, लिखो पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट, ऑफ एनी टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट का पोर्शन, इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान से देखो बच्चों, ये डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में तुम्हें देखना कोई पोर्शन फंस गया है। यस सर। यस। यस सर। तो देखो ये फंस गया, ये कौन सा पोर्शन फंस गया, ये देखा जेड पी। ये वो तो पोर्शन ऑफ द टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में फंस गया, बीच में फंस गया, इंटरसेप्टेड बिटवीन उन दोनों के बीच में, सबटेंड्स 90 डिग्रीज एट फोकस। तो ये जो फोकस होगा ना यहां पर दोस्तों, ये कितना एंगल सबटेंड करेगा ये पोर्शन, 90 डिग्री। ये है पूरी बात, ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को याद रखो, ये कहानी। सर ये तो फिर वो रोम्बस नहीं बन जाएगा क्या? क्या ये रोम्बस नहीं बन जाएगा क्या? कौन सा क्या रोम्बस बन जाएगा? ये जो फिगर है, मतलब अगर हम उसे, कौन सा फिगर बताओ, कौन सा फिगर रोम्बस? ये ZMPF कौन सा ये? नहीं मतलब वो फुल ड्रॉ करेंगे तो मतलब कौन सा रोम्बस बताओ ना, कौन सा रोम्बस? नहीं सर, जैसे हमने रोम्बस बना के फिर हमने ये पॉइंट प्रूफ किया था ना कि ZOP वैसे है, तो फिर देखो MPF की तो रोम्बस है, तुम्हें कोई और नया रोम्बस दिख रहा तो मुझे वो बताओ। नहीं नहीं वही होगा सर। तो बस फिर ठीक है, फिर तो तुम भी सही कह रहे हो सर। इस स्टेटमेंट से तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट? हाँ वो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पर ये लैंग्वेज याद रखना बच्चों, ये लैंग्वेज बड़ी पेक्यूलियर सी लैंग्वेज है, पकड़ में आती नहीं है, इसे नोट करो। डाउट है क्या आंसर है प्रीवियस क्वेश्चन का, बताइए सर। 3.2। यस सर। वो बेसिकली बताऊं क्या कह रहा है, कि देखो इस पॉइंट पर एक सर्कल बनाया उसने एज अ डायमीटर इस पोर्शन पे, ये कह रहा है। तो देखो सर्कल की मजबूरी है भैया, जहां पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है वहां से तो पास करेगा ही, अदरवाइज डायमीटर का आएगा वो, आया ना? तो इसका मतलब उस सर्कल की मजबूरी है कहां से पास करेगा, फोकस। तो चाहे सर्कल टेंजेंट तुम चेंज करते जाओगे, नए नए टेंजेंट आते जाएंगे, पोर्शन चेंज होते जाएंगे, उनसे सर्कल चेंज होते जाएंगे, पर सारे के सारे सर्कल कहां से पास करेंगे, फोकस। लिख लो दिस सर्कल पासेस थ्रू
फोकस निकाल लो, फोकस जल्दी से सर। सर नेक्स्ट स्लाइड एक बार बता दीजिए ना प्लीज। हाँ सर प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखा दीजिए ना, ये वाली। हाँ सर एक मिनट। सर कुड यू री एक्सप्लेन वंस अगेन क्यों सारे फोकस से ही पास करेंगे? जोर से बोलो। सारे फोकस से पास करेंगे, कुड यू री एक्सप्लेन दैट पार्ट? हां हां देखो तुम एक और टेंजेंट बना लो, एक और पॉइंट ले लो और उस पे एक और टेंजेंट बना लो। तुम एक और टेंजेंट बनाओगे, लेट्स से ये बनाया तुमने, ठीक है जी सर। अब वापस तुमने ये जो पॉइंट पी है ये जेड है, यहां तो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ना तुम्हारे हिसाब से। हां तो जब तुम जो सर्कल बनाओगे भाई, सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है ना, तुम डायमीटर से। हाँ हाँ यस अंडरस्टूड थैंक यू। समझ गया ना, डायमीटर से तुम जब भी इसको एंगल ऊपर बनाओगे तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। जी सर थैंक यू। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, याद रखो 90 डिग्री अगर बनेगा तो सर्कल वहां से पास करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता 90 डिग्री बन रहा है सर्कल वहां से पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं ये बनाऊ, लेट्स से पिंक कोई और कलर लेता हूँ, ग्रीन भी नहीं, ऑरेंज भी नहीं, ब्राउन ले लेता हूँ। ब्राउन से बनाऊंगा ना ये वाला भी, ये नया सर्कल है, ये एक और केस है उसी का ही। वो देखो ये भी पास करेगा। ओके सर थैंक यू। वो पोर्शन ऑफ टेंजेंट इस बार चेंज हो गया, पोर्शन ऑफ टेंजेंट अब ये वाला है, पोर्शन है, दिस इज दैट पोर्शन, ये वो पोर्शन है। पर ये 90 डिग्री सबटेंड करेगा ही करेगा, इसलिए इसकी मजबूरी है यहाँ से पास करने की, समझ रहे हो? Yes, sir. Sir, तो बेसिकली वो सकते हैं सर्कल से लोकस ऑफ पॉइंट विद द डायमीटर है बाईसेक्ट एंड सबटेंड 90 डिग्री। हां कह सकते हैं। ओके थैंक यू। सर ये जो सर्कल एक्सिस को दो बार कट करेगा कि टच करेगा, ऐसा कोई नहीं है ना तो? बताते हैं। सर वो बस प्रॉपर्टी के वजह से हमारा आ रहा है ना वो फोकस। इधर बनाऊं ये वाला सर्कल, इधर देखो इधर बनाते हैं, मजा आएगा। येलो कलर से बनाऊं ये वाला सर्कल है, सही है? यस सर। यस सर। सर अच्छा एक बच्चा ये पूछ रहा है सर, ये इधर एक बार कट करेगा कि दो बार, यही पूछ रहा है ना तू? हाँ सर ये पूछ रहा है ना। देख इसका चक्कर ये है, ये वाला एंगल कितना होता था? 2α। अब तुम्हें वो प्रॉपर्टी पड़ी है बचपन में, ये टेंजेंट है, ये जो एंगल होगा वही एंगल ऊपर बनेंगे। यस सर। ठीक है तो ये एंगल ये 2α है तो ये एंगल भी 2α बोला जाएगा अगर ये टेंजेंट है तो, पर ये एंगल तो 90 माइनस अल्फा आएगा तो नहीं, यानी सर्कल का वो ये लाइन टेंजेंट नहीं है। तो कितनी जगह कट करेगा ये सर्कल एक्सिस को? दो जगह। अब तो इसमें एक ही जगह दिख रहा है, पर ढंग से डायग्राम बनाएंगे तो शायद दो जगह दिख जाएगा। यार इतना सोचने की जरूरत नहीं है अपने को, सर आप ये रिपीट कर सकते हो दो बार वाला? करता हूं इसको ना आगे जाके वो करता हूं, ज्यादा बोलता हूं सर। बट एक स्पेसिफिक केस में तो वो एक टाइम कट कर सकता है राइट? एक स्पेसिफिक केस में यस करेक्ट। वो किस स्पेसिफिक केस होगा? 2α = 90 - α 3α = 30 डिग्री पे। सर आप आगे लिखवाओगे ना वो? हां आगे आएगा वो, अभी फालतू में पंगे क्यों ले रहे हो उस चीज। ओके सबने यहां तक लिख लिया, ये पढ़ लिया रोम्बस के ऊपर ये सब फंडे? Yes, sir. प्रोसीड करें आगे। Yes, sir. सर आंसर क्या था करंट क्वेश्चन का? फोकस नहीं नहीं अच्छा वो थ्री कॉमा टू हाँ कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा था। कैपिटल एक्स इक्वल टू एन, कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो। कैपिटल एक्स कितना है बच्चों? वाई प्लस वन। ओके और कैपिटल वाई कितना है? एक्स माइनस थ्री। इसको क्या आंसर आ गया? 3.2। एवरीबॉडी ओके हैप्पी? यस सर। यस सर। एक चीज और यार, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था
पेज पलट सकता हूँ बताऊ? हाँ ये देखो जरा एक चीज, पता नहीं शायद मैंने सर्कल में बताई है कि नहीं बताई है, लेकिन आई डोंट नो सम स्टूडेंट्स आस्क्ड एंड मेरे को लगा मैं क्लास में करा देता हूँ। इधर देखो जरा, रेगुलर पेंटागन जानते हैं ना? यस सर। रेगुलर पेंटागन हैविंग सेंटर एस 0.0, समझ गए? इट्स वर्टेक्स ए इज 4.2, अ पॉइंट, बच्चों थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड होगा प्लीज ध्यान रखिए, अ पॉइंट पी इज 12.9, फाइंड पी स्क्वायर प्लस। तो ये सर्कल्स का पार्ट है ना? हाँ ये सर्कल्स के, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ना सर्कल्स में हैं, मतलब बुकलेट वगैरह में, इसलिए बच्चों ने कुछ पूछ लिया, मैंने सोचा यार ये बता देता हूँ, लगता है ये छूट गया, लिख लीजिए ये करना। क्वेश्चन समझाएं क्या है कहानी? यस क्वेश्चन में भाइयों, ये ओरिजिन सेंटर पे एक रेगुलर पेंटागन बनाया गया है। रेगुलर पेंटागन की 5 साइड होती हैं, पांचों इक्वल होती हैं। हर एंगल कितना होता है रेगुलर पेंटागन का? 108 डिग्री। कितना होता है? 108 डिग्री। जो भी है सर, तुम देख लेना अपने आपके एंगल का, ऐसा रेगुलर पेंटागन है ये। ऐसा कुछ केस है ना, ये ए है, समझ गए क्वेश्चन? यस सर। मैं आपको याद दिला दूं, सेंटर पे एंगल बनता है 72, 360 डिग्री / 5 = 72 डिग्री। ये सारी लेंथ इक्वल होंगी, सबको समझ में आ रहा है ना? इसी को घुमा घुमा के सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। हाँ यस सर। घुमाने का तरीका क्या होता था? एसआर थीटा, वो एसआर सबट्रैक्ट रोटेट है। सब लोग मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा कुछ भी बोले अभी थोड़ी देर के लिए। एवरीबडी जस्ट try this question for one or few seconds, then I'll explain.
हाँ बच्चों, यूजुअली ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना सर्कल्स चैप्टर में गिवन होते हैं, लिख लो यूजुअली सच क्वेश्चंस आर गिवन इन सर्कल्स चैप्टर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यूजुअली सच क्वेश्चंस आर गिवन इन सर्कल्स चैप्टर, इसलिए बच्चों लोगों को ऐसा लगता है सर्कल्स चैप्टर का पार्ट है, इसलिए बच्चे परेशान होते हैं। लेकिन एक्चुअली बताओ ये बच्चों कौन से चैप्टर में दिए होने चाहिए, कौन से चैप्टर में? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में होना चाहिए, बात भी उनकी सही है। क्यों बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए? उनका आइडिया एकदम ठीक है कि अरे यार ये वर्टेक्स ये पता है तो सारे वर्टेक्स निकाल लेंगे रोटेट करके, cos sis 72 डिग्री sis 72 डिग्री सब समझ में आ रहा है ना, घुमाते चले जाएंगे। हाँ। और क्लियर कट केस है कि अरे हाँ यार ये वो बात अलग है, 72 डिग्री थोड़ा सा गंदा एंगल होता है तो थोड़ी सी वो आएगी, पर ठीक है सब झेल लेंगे सह लेंगे थोड़ा, समझ रहे हो ना वो वाला मीम याद है ना, सह लेंगे थोड़ा। लेकिन एक्चुअली बच्चों ये इस इन दोनों चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये एक और चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। लिखो नेक्स्ट पेज पे लिखो एएम सर ट्रिक। सर एक एक मिनट रुक जाइए। हाँ पहले से कॉपी कर लो सब लोग, मैं बताता हूँ ये वाले सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, फिर तुम्हें इसी के ऊपर जो जेई में क्वेश्चन आया वो भी दूंगा, एग्जैक्ट जेई क्वेश्चन है बुकलेट से ही दूंगा, ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ना ये सर्कल का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कौन सा ना ये ट्रिगो का भी नहीं है, जिसको लग रहा है ना ट्रिगो का क्वेश्चन है ट्रिगो का भी नहीं है, मैं बताता हूँ कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है अभी तुम्हें। अरे ये वाह स्ट्रेट लाइन, दुनिया के सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के तो होंगे यार, ऐसी क्या बात है, मैं बताता हूँ किस चैप्टर का क्वेश्चन है, अब देखो जरा ध्यान से, लुक एट इट वेरी केयरफुली व्हाट एएम सर इज डूइंग, ध्यान से देखिए हेडिंग डालो एएम सर ट्रिक, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ लगेगी और ये किस टाइप के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होती है और किस टाइप के क्वेश्चन को तहस नहस कर देगी अच्छे से और कहाँ लगा सकते हैं। बच्चों हम पता क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि जितने भी एबीसीडी पॉइंट्स है ना, मैं यहां पर ना 1 kg मास रख रहा हूं, सबको दिख रहा है 1 kg मास? यस सर। कैन यू टेल मी अगर 1 kg मास रखा है तो ये पीए स्क्वायर क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी, pb स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी, pc स्क्वायर pd स्क्वायर ये सब क्या है? सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी निकालना है इस डायग्राम का, हां या ना? हां यस सर। ये जो क्वेश्चन होने चाहिए ये किस में होने चाहिए? रोटेशनल में। अब देखो सब्जेक्ट के नहीं, ध्यान से देखना मैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोग कैसे करेंगे, अदरवाइज तो मैं देख रहा हूं बहुत तहस नहस करके लेंथी हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से विद इन वन लाइन आंसर आ जाएगा। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, इधर देखो इतना छोटा है कि मैं दूसरे पेज पे जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं यही कर दूंगा। वी हैव टू फाइंड आई अबाउट पी, हां या ना? यस सर। आई अबाउट पी विल बी सेम एज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास व्हिच विल बी ओ प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम टोटल मास ऑफ द सिस्टम एच डी स्क्वायर। फोड़ दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हां या ना? आई अबाउट सी एम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या है इसका? ओरिजिन है सेंटर ऑफ मास, समझ रहे हो ना? यस सर। आई अबाउट सी एम निकालो, 1 kg मास है, जल्दी से बताओ इस लेंथ का स्क्वायर कितना है? ओ ए का स्क्वायर, ओ ए इज रूट 20, हाँ या ना? 20। यस सर। तो 20 5 टाइम्स 1 इनटू रूट 20 का स्क्वायर, यस और नो? यस सर। यस सर। प्लस व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम? 5 kg इनटू पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से हमें ये डिस्टेंस चाहिए कितना है? 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर हो जाएगा ना, दिस इज द स्क्वायर चाहिए
सबको समझ में आया? अब मैं बताता हूँ ये कौन से वाले फंडो जगह लगेगा सर। क्या 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 5 फंडा लगाने के लिए हमें किस किस चीज ने हेल्प करी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको समझ लेते हैं इस ट्रिक को, और फिर मैं तुम्हें उसके ऊपर वो वाला जेई वाला क्वेश्चन देता हूँ जो जेई में आया, ठीक है सर? हाँ जी सर, वो आपने वो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास में फाइव इनटू फिर वो वन लिखा है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वन केजी मास है ना, एक एमआर स्क्वायर इक्वल पी ए स्क्वायर इनटू। अच्छा अच्छा, वी आर यूजिंग वन केजी मास सो एज टू नॉट ऑल्टर द डिस्टेंस राइट। हाँ अच्छा, अभी तक देखो पेज पलट सकता हूँ। यस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कुछ पॉइंट्स है ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, लेट्स से एन पॉइंट्स है, एक और पॉइंट है P, okay, we have to find, निकालना क्या है दोस्तों, पी ए वन का स्क्वायर प्लस पी ए टू का स्क्वायर, ये निकालना है ना, टिल पी ए एन का स्क्वायर, यही मांगा जाता है, ये निकालना है। तो अगर n पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है P और हमें ये निकालना है, एंड वी ऑल्सो नो क्या जानना जरूरी है बताता हूं, जब तक वो नहीं पता होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा। नो क्या, वी दिस पॉइंट एवरेज पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास पॉइंट, ये भी पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ही ये क्वेश्चन हो सकता है, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो ओरिजिन था ना इस क्वेश्चन में, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह वर्क करेगा, ये पता नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं ना तो आप ये कर पाओगे ना ये कर पाओगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अगर वो ऐसी 5 पॉइंट दे देता ऐसी रैंडम, ये लो ये है पेंटागन, ये रेगुलर पेंटागन नहीं है, कुछ तो रैंडम पेंटागन है, डू यू रियलाइज रैंडम पेंटागन का सेंटर ही नहीं पता होता आपको? आया ना? यस सर। यस सर। निकाल के आपकी बैंड बजती, वो तब नहीं होता क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास जो की ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, जो की सेंट्रोइड होता है, ये जो है ना बच्चों, इसे हम लोग सेंट्रोइड भी बोलते हैं, ट्रायंगल का सेंट्रोइड तो यही होता है, तीनों वर्टिसेस को ऐड करके अपॉन 3 को। तो आप ये काम कर सकते हैं, देन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सर आपने बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ निकाल लिया ऑफ द डायग्राम और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। करेक्ट करेक्ट। Then apply parallel axis theorem. एक क्वेश्चन देता हूँ। एक सेकंड। इसमें ये भी कंडीशन होना चाहिए ना कि जो भी स्क्वायर्स हैं उनका कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। यार वो तो यही निकालना है तो बात ही खत्म होगी, मैंने तो बोल ही दिया यही निकालना है। सर मास ही 1 के ही दे रहे हैं। तो पहले ये मास तभी 1 ही रखोगे। अगर आपने मास 2 kg 3 kg रखना चालू कर दिया तो आपको पता है फिर सेंटर ये नहीं होगा। अगर ये मास मान लीजिए आपका बड़ा हो गया ना 2 kg का, तो भाई साहब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा फिर। हाँ सर, सीओएस से कौन सा लगाने पड़ेगा? सर वो जहाँ मास ज्यादा वहाँ सेंटर। हाँ सर। तो नेक्स्ट स्टेप। तो सब बॉस फिर 2 kg लेने पड़ेंगे। सर आपने सोचा कि
इसको सब लोग अच्छे से नोट कर लो क्योंकि अपने आप तो क्लिक होने वाली है नहीं, इसको याद तो रखना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें जेई का क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे दो बच्चों। शुड आई गिव यू द एग्जैक्ट आईडी जेई क्वेश्चन? यस सर। यस सब लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में जो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है वो भी बताएंगे मुझे। ओके वन सेकेंड सर, वो लास्ट पीस सिखाओ ना आपका ट्रिक वाला। ये अगला सर, अगला वाला, अगला अगला एएम सर ट्रिक वाला। हो गया सर। सर्कल्स में एक सर्कल्स की बुकलेट में एक पैसेज है, एक क्वेश्चन है, उसको देख के कई बच्चे परेशान थे, मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहे थे कि सर क्या है इसको कैसे। सर यू टेल अस द क्वेश्चन नंबर ना, वी विल सी इट फ्रॉम द बुक। रुको ढूंढो, चलो अभी कर लो इसको ऐसे। इस सर्कल का नाम सी लिख एस लिख देते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आप पास्ट ईयर जेई वगैरह के कुछ पेपर देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन की शक्ल सी पहचान में आ जाएगा। एग्जैक्ट जेई क्वेश्चन है। करो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना आप इससे पहचान लोगे, आप अपने आप ही देख लेना, मिल जाएगा वो सर्कल नहीं तो पैराबोला नहीं तो स्ट्रेट लाइन किसी ना किसी बुकलेट में आपको मिलेगा, ये विंडो टू जेई वगैरह में। You'll find this question. कोई मुझे सर्कल और पैराबोला का बुकलेट भेजे जरा। Somebody send me circle and parabola booklet in the group. तो कितने बजे तक एक्सटेंडेड है आज का? बस बस दो तीन मिनट हो रहे हैं। सर आज से पैराबोला चालू कर सकते हैं बुकलेट? पैराबोला का आज से यहाँ पर दो बैचेस हैं, एक एनएपीजेसी 1-2 है और एक 3-4-5 है। 3-4-5 बिल्कुल आराम से स्टार्ट कर सकता है, लेवल 1 लेवल 2 करे और वो बुकलेट के ही एक्सरसाइज बने वगैरह ही है। लेकिन एनएपीजेसी 1 के कुछ वीक से लेक्चर लगा ही नहीं है तो इसलिए उनको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। कल उनका लेक्चर है ना एनएपीजेसी 1-2 का? यस सर। यस सर। अच्छा एनएपीजेसी 3-4-5 आप लोगों का भी कल कोई लेक्चर है क्या कहीं? संडे सर। संडे सर लेक्चर। कल संडे? हां सर। संडे को आपका लेक्चर संडे को है। अरे कल सैटरडे को क्या कर रहे हैं आप लोग? सैटरडे लेक्चर है सर, दो लेक्चर है कल सर, है ऑफिशियल है कल 1:30 तक। उतना था कि आप
ठीक है बताते हैं, पहले जल्दी इसको फिनिश करो। सर कल आपका लेक्चर है? हाँ सर। ठीक है ठीक है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा रखने की सोच रहा था भाई। कृपया फिनिश करें इस क्वेश्चन को, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक स्क्वायर है, सबको पता है, दो सर्कल है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक अंदर है एक बाहर है, हाँ या ना? यस सर। एक स्क्वायर है, मस्त सर्कल के अंदर बैठा है, यही कहानी है कि नहीं है दोस्तों? यस सर। अब इसके अंदर एक और सर्कल बैठा है, यही मचा रखा है इन लोगों ने, और कुछ तो है नहीं। बाहर वाले सर्कल पे कौन सा पॉइंट लिया है? पी। अंदर वाले पे कौन सा लिया है? क्यू। ये है ए बी सी डी। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। चलिए सर। सर तो आपने वो बोला कि फिगर रेगुलर होना चाहिए सर, क्योंकि वो सेंटर उसका फिक्स नहीं रहेगा तो आईसीएम में प्रॉब्लम होएगा, इसलिए बोला क्या आपने? करेक्ट। ओके। सबसे पहले बच्चों हमने को क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? सबसे पहला काम सेंटर, अपना सेंटर। अरे सेंटर सबसे पहले तो एक्सेस बनाओ यार। हां सर, बोलो। मतलब इनफैक्ट कोऑर्डिनेट एक्सेस तो बनाओ यार, उसके बिना क्यों स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन? तो ये भाइयों 0,0 है, किसी को कोई परेशानी? सर नहीं सर। ये कुछ इस सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का रेडियस आर है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस बता सकते हैं? कैपिटल आर। अमेजिंग। कौन है बच्चे? आर रूट टू। कितने हैं ये बच्चे? ये किसी बहुत बड़े गुरु के चेले हैं। छोटे सर्कल रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाले का मैंने पूछा क्या होगा, कहते कैपिटल आर। ये वही लोग हैं कि टीचर ने पूछा इफ वी इज यू इज इनिशियल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी, टी इज टाइम, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, कहते ए। ओ भाई ये समझ में आ रहा है ना, इस बाहर वाले सर्कल का रेडियस आर रूट टू होगा। अब ये बताओ कैसे करें, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर कैसे निकालें? क्या मानता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी, करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की इच्छा है अपनी और कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं पी के अबाउट। उसको निकालने के लिए अपने को आई पी चाहिए ऊपर, हाँ ना? यस सर। मीटर हुआ आई पी प्लस टोटल मास ऑफ द सिस्टम 4 kg है इनटू h स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अच्छा नीचे क्या चाहिए अपने को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट q प्लस टोटल मास ऑफ द सिस्टम 4 प्लस h 2 स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। क्या कर दिया मैंने ये? सर मोमेंट ऑफ आईसीएम होगा। आईसीएम ये आई अबाउट ओ होगा, ये भी आई अबाउट ओ होगा। अब सही है? हाँ सर। यस सर। स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल सेंटर ओरिजिन ही रहेगा ये वाला अपना। तो आई अबाउट ओ कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ? सर ये रिंग है या डिस्क? अरे एम आर स्क्वायर लगेगा बस यार, ये आर रूट टू है ना, ये तो आर रूट टू स्क्वायर। कितनी बार? चार बार। नीचे भी वही आएगा, आर रूट टू का स्क्वायर प्लस फोर। यहाँ तक सब सही है बच्चों? यस सर। बस दोनों के नीचे आ रहा है। यहाँ पर क्यू से कोई मतलब ही नहीं है, क्यू पे तो सिर्फ ये वाली टर्म वेरी करेगी ना,
What is, what are you finding? You are finding moment of inertia about the center. क्या ए बी सी डी का सेंटर ओ है कि नहीं है? वो तो टर्म, ये दोनों चेंज होंगी ना, ये थोड़ी चेंज हो जाएगी बेचारी. हाँ भाई फिजिक्स. H ये होगा, आया ना? Yes sir. कितना होगा? R root two. R root two. और H two कितना होगा? R. R. R square. R. जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? 4/3. Sir, 16/12 है. हाँ, 16/12. अबे 4/4. Correct. Exact question. Sir, जो उसका geometrical center होता है, मतलब square का जहाँ diagonals meet करते हैं, rectangle का जहाँ diagonals meet करते हैं, समझ रहा है? ट्रायंगल का सेंटर समझ रहा है? यहाँ हमने अज्यूम किया ना 0,0 फिर आगे बढ़े. यहाँ हमने 0,0 पे एक्सिस बिठा दी है तो इसलिए 0,0. अच्छा, वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में पता है एक्सिस की जरूरत भी नहीं थी. एज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर. एक्सिस की कैसे जरूरत नहीं थी? मतलब फायदा क्या उठाया वैसे इन दोनों लाइन से? तो हमें सेंटर कैसे मिलता फिर? सेंटर तो थोड़ा आसान लग रहा है डायग्राम में आ गया तो. अगर मैं ये दोनों लाइन हटा दूं तो मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा सॉल्यूशन में? कुछ भी नहीं पड़ेगा तो मुझे. और ये 0,0 भी छोड़ दो, क्या है तो लेंथ तो वैसे थोड़ा आसान हो जाएगा ना. सिर्फ 0,0 लेंगे तो फील 0,0 की भी बेटा क्या जरूरत है? कांट यू सी ये सर्कल का रेडियस? हां हां वो तो आर ही रहेगा ना. ओके हां आर और रूट तो रहेगा, आर और रूट रहेगा. हां सर एक्सिस की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? यस सर. सर आर की व्हाट? आर रूट 2 ऑफ बिगर. डू यू गेट आर रूट 2 इसका बड़े वाले सर्कल का रेडियस? हां यस सर. देख बेटा कैसे आया आर रूट 2, ये आर है. हां और ये भी समझ में आ रहा है? ये हां ये गॉट इट. आर एन आर यस यस पाइथागोरस थ्योरम. हां एक और क्वेश्चन दूं? यस सर. एक क्वेश्चन और कर लो. यस सर यस दो सर. और ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको ना शुरू में कराया होगा, जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहा था तब भी कराया होगा ये क्वेश्चन. पर तब मैंने इंग्लिश पे दिखा दो ना स्क्रीनशॉट. ये करना जरा. जिन बच्चों को शायद ये कराया उनको याद आ जाए. एकदम जब चॉइस ऑफ ओरिजिन यूज बता रहे थे आप उसके. और पूरा नहीं सर, और भी कोई टर्म्स है ना? बस बस यही था. ओके सर करो. और जिसको समझ में आ गया वो तो बोलेगा सर ये तो एक लाइन में हो गया. सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया. जिसको भी बुकलेट बुकलेट स्टार्ट करनी है वो जरा इस वीक बस रुक जाओ. इस वीक जरा मुझे वो धनाधन 2-4 लेक्चर ले लेने दो, फिर बुकलेट फोड़ना पकड़ के है अपने पास टाइम है 15 दिन. तो 4 वाले कर सकते ना, एनपीजी 4 वाले. हेलो सर.
एनएपीजेसी 4 वाले कर सकते हैं नहीं कर सकते 3, 4, 5 वाले कर तो सकते हो बस तुम दुखी मत होना सर ये तो ये क्या चीज है ये नहीं पढ़ाई अभी तक हाँ ऑफ कोर्स नहीं अच्छा। पढ़ रहे हैं बस उससे मत दुखी होना मतलब okay, sir. अगर तुम सीने में तूफान लेके चल रहे हो तो कर सकते हो एक okay, वीक रुक जाए तो भी चलेगा ना हाँ ये कितने लोगों से हो गया रेज योर हैंड कितने लोगों को दिख रहा है लिटरली अब एक लाइन में हो गया एक लाइन में इनफैक्ट ये नहीं समझ में आ रहा होगा लिखूं क्या इसको इतना इजी है ये व्हाट इज दिस आईपी आया ना यस यस इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ हमने सर प्लस टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एच स्क्वायर आया ना यस सर अब आईसीएम क्या होगा सेंटर ऑफ मास इज डी सेंटर ऑफ Correct? Yes, sir. Three times. H is distance between G and P. कितने को लग रहा है देखते हैं कि हो गया प्रूव एक लाइन में हो गया सर हाँ सर यहाँ पे yes, यहाँ पे खुशी खुशी अब हम वो लिख देंगे जिसको लिखने में बड़ा मजा आता है सर तभी तो पूरा हम लोग ने सेंट्रोइड रोड वो सब निकाल के लिया था छोटे बच्चे थे यार तब हम लोग क्या पढ़ता उस दिन रोटेशन करा देता मैं तुम्हें हर चीज का वक्त होता है समझ रहे हो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है तो मतलब आगे आगे करके धीरे धीरे तुम सीखोगे आगे के चैप्टर होंगे उसमें आएगा हर चीज का वक्त होता है उस दिन थोड़ी करा देता यार ये उस दिन तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे पहले दिन ये सोचते थे ये क्या आ गया याद करोगे उस वक्त अपनी हालत डिस्टेंस फॉर्मूला तो ढंग से लगा नहीं रहे थे लोग वो तो टाइमिंग होती है हर चीज इट्स अबाउट टाइमिंग सब कुछ समझ गया हां सर सर आपने ये सर बताया ये तो चॉइस ऑफ ओरिजिन से हम लोगों ने किया था आईडिया यस 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 आई नो चॉइस ऑफ ओरिजिन से किया था तब आपने सेंट्रोइड अज्यूम वो सब अज्यूम करके सेंट्रोइड निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के किया था मुझे अच्छे से याद सर हां सर वो रॉम्बस में वो आपने बोला था ना वो सेंटर जब ये पैरेलल रेज आते हैं वो फोकस से पास करते हैं वो तो सर वो पैराबोला के वो कॉन्वेक्स साइड में जब हिट करेंगे उसको ट्रेस करेंगे तो भी वो फोकस से पास करेगा ना देखो देखो ये क्या कह रहा है बच्चों कहां गया यार अच्छा याद रखना ये रॉम्बस अभी खत्म नहीं हुआ है आई विल बी बैक विद रॉम्बस वो कह रहा है सर इधर से हिट करूं तो टकरा के क्या होगा तो बेटा टकरा के वो ऐसे निकल जाएगी आया ना यस सर और आप उसको जब एक्सटेंड करोगे तो वो कहां से पास करेगी फोकस वर्चुअल इमेज बन गए तो तब भी बात सही है इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस जो आई होगी आंख होगी आपको तो ऐसे लगेगा ना फोकस से आ रही है समझ गया सर लेक्चर 2 बजे के पहले खत्म हो जाएगा चलो चलो तो डन बाय बाय सर सर हमारा थर्ड ट्रैक भी चालू हो रहा है क्या थर्ड ट्रैक हाँ सर एक नए सर आए उनने बोला वो हमारे क्लास लेंगे लेने दो सर अच्छा सर हाँ जी सर 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 वो हमारे सर वो नए सर हमें प्योर ज्योमेट्री से करा रहे थे सर वो उस पे ध्यान दे या कोऑर्डिनेट पे ध्यान दे वो समझदार है ना किस पे ध्यान देगा कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट से ही करेंगे ना ऑब्वियस तो ऑब्वियस है मतलब